जैसा आप लोग जान रहे हैं कि इस समय बिहार में जो कोरोना का प्रकोप है और उसके बाद जिस तरह से अगर कोई काम करने की कोशिश कर रहा है और मदद करने की कोशिश कर रहा है तो सरकार उसे भी मदद करने नहीं दे रही है। आपके सामने अभी ताजा उदाहरण पप्पू यादव जी का है। संडे के दिन उनके खिलाफ वारंट निकाला जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई हुई थी कि कोरोना काल में किसी को भी गिरफ्तार न किया जाए, उसके बावजूद 5 घंटे तक यहाँ पे पटना में बिठाया जाता है प्रशासन द्वारा। पता नहीं किसके दबाव में पूरी प्रशासन एक्टिवेट हो जाती है और वारंट खोजा जाता है। हम लोगों की भी नेटवर्क है, हम लोगों ने भी पता किया कि वो 5 घंटे क्यों बिठाया गया था पटना में पप्पू यादव जी को, क्योंकि पुलिस के पास कोई पुख्ता वारंट नहीं था। अचानक से फिर मधेपुरा से इनको वहाँ के SP से बात होती है और पता चलता है कि वहाँ पे वारंट है, तो उनको बुलाने के लिए उनको 5 घंटा बिना कारण बिठाया गया। उसके बाद जब यहाँ से जमानत हुई तब उनको मधेपुरा ले जाया गया। ये केवल हैरेस करने का काम था। एक पूर्व सांसद, एक संविधान पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और कम से कम 25 सालों का उनका जो राजनीतिक या संवैधानिक पद पे जो काम किया है उन्होंने, इस तरह के व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की कुछ क्रूरता की जाती है, और मुझे तो शंका है कि कहीं ना कहीं उनकी हत्या का प्रयास चल रहा है बिहार के अंदर। कल मैं जिस तरह से दरभंगा गया था, उनके अस्पताल में मुलाकात मुझे नहीं करने दिए, जबकि कोई बड़ा इशू नहीं है। मेरे पास कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव की रिपोर्ट है, मैं मुंबई से ट्रेवल करके अगर यहाँ आ सकता हूँ तो कोरोना का बहाना बना के किसी से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है ये किसी को जानकारी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी शंका है कि बिहार सरकार उनकी हत्या का पूरा कोशिश कर रही है, उनके इलाज के नाम पे उनकी कोई व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं है, और ये जो दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए, और पूरे देश से जो एक्टिविस्ट हैं, चाहे आप दिल्ली से ले लीजिए, कन्याकुमारी से ले लीजिए, कश्मीर से ले लीजिए, पंजाब से ले लीजिए, अब सारे एक्टिविस्ट बिहार आएंगे और पप्पू यादव जी के लिए आवाज़ उठाएंगे। और हम संवैधानिक तरीके से पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया है, और रात को 12 बजे कोर्ट खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई अचानक से, और जिस एरिया में उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिस एरिया में उनका अपराध है, जहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया है, वहाँ से नेपाल बॉर्डर पे ले जाने की क्या मंशा थी, और उस बैरक में रखा गया जहाँ से सांप निकल रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं उनका जो सरकार की जो उद्देश्य था वो बहुत स्पष्ट है कि हम ना काम करेंगे ना आपको करने देंगे। अगर कोई बिहार की जनता को बचाएगा तो उसको जेलों में डाल दिया जाएगा। तो एक छोटा संदेश हम तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से है कि आप जेल के दरवाजे खोलिए, हम लोग आ रहे हैं, हमें गिरफ्तार करिए। अभी कल आप दरभंगा गए थे, क्या बोला गया था दरभंगा में, जो आपका रिपोर्ट था निगेटिव का, फिर भी क्या बोला गया था, क्यों नहीं मिलने दिया गया? सर देखिए, कोरोना का कारण बताया जा रहा है, उनकी तबीयत अस्वस्थ है बताई जा रही है, लेकिन मेरा सवाल ये पूछना था कि हम लोगों का विषय ही पूरा बदल दिया गया है। अब सारे लोग पप्पू यादव पे फोकस हैं, लेकिन कोई रूढ़ी से सवाल नहीं पूछ रहा है कि वो एम्बुलेंस आखिर क्या हुआ, जो पप्पू यादव ने 40 ड्राइवर्स दिए थे उनका रूढ़ी जी ने क्या किया है, और वो एम्बुलेंस क्या अभी भी बिहार की जनता के लिए खुले हैं या नहीं खुले हैं। अगर रूढ़ी जी का हिसाब किया जाए तो वो इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनको बीच मंत्रिमंडल में से उठा के फेंक दिया था इसी NDA सरकार ने। वो क्या कारण था कोई बता सकता है क्या? हम लोगों ने जब इसकी पूछताछ की खोद किया तो पता चला उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और ये आरोप कोई ऐसे वैसे नहीं है। जिस जमीन पे वो एम्बुलेंस मिले हैं, मैं आज आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से कि उनकी पर्सनल जमीन पर सरकारी पैसे 9 करोड़ रुपए से उनके ने जो घर बनाया है, भव्य घर बनाया है, वो पैसे की निकासी आखिर किसने की है और किसने इसमें मदद की है? हमारे पास वो डिटेल्स हैं जिसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ, जिसमें मिली भगत है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वहाँ के रूढ़ी जी खुद, और उस विभाग से जिस विभाग में वो मंत्री रहे हैं उस विभाग के सरकारी पैसे से, बिहार की आम जनता के पैसे से 9 करोड़ रुपए से उन्होंने अपना भव्य घर बनाया है। इस तरह के आरोपों की जब जांच होगी, उस अमाउंट का अभी तक कोई ऑडिट नहीं हुआ है। यही सब कारण है कि रूढ़ी जी को बीच मैदान में से उनको पद से साइड कर दिया गया, मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, और जब पप्पू जी जाके वहां पे किसके लिए उन्होंने सवाल पूछा था? आम जनता जो बिहारी है यहाँ पे जो मर रहा है उसके लिए सवाल पूछा था? हो सकता था वो एम्बुलेंस महीने भर में 10 लोगों की जान बचा पाती, वहां पे 40 एम्बुलेंस था, कम से कम 400 लोग बचते थे ना। वो सवाल अगर पूछने वाला व्यक्ति को अगर सरकार आरोपी मानती है तो मुझे लगता है देश भर के सारे जो लोग हैं वो आरोपी हैं, सारे लोग सरकार से सवाल पूछेंगे, और वो जितने लोगों को जेल में डाल सकते हैं डालें, हमारी तरफ से खुला स्वागत है। पप्पू यादव को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया तो क्या उनको मारने की साजिश भी है? सर मैं आपको जिस तरह से शहाबुद्दीन का मामला हुआ है, जहाँ पे
कोरोना नहीं होने के बावजूद भी उनकी दिल्ली में हत्या हो जाती है। हम लोगों ने इसको बाकायदा सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल उठाए लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाता। तो मुझे अंदेशा है और विश्वास है कि अभी जब यहाँ से पप्पू यादव जी गए थे कोरोना नेगेटिव थे, लेकिन जब वो थोड़े दिन के बाद उनको पॉजिटिव कर दिया जाएगा और पॉजिटिव के आड़ में एक साजिशन हत्या पप्पू यादव की कर दी जाएगी, क्योंकि उनका जो कद है बिहार के अंदर वो अब बड़ा हो चुका है। एक तरफ सत्ता विपक्ष सब मिल के खेल रहे हैं। आप अगर राजनीतिक बयान देखेंगे तो वहाँ पे पप्पू यादव के खिलाफ ही RJD भी है, JDU भी है, BJP भी है, सभी है, लेकिन बिहार की जनता के लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है, जो रस्तों पे लंगर बांट रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन बांट रहा है, तो केवल एक इंसान है। और शायद यही कारण है कि राजनीतिक हत्या करने का उनका प्रयास चल रहा है। अगर पप्पू यादव नहीं होगा तो फिर जम के भ्रष्टाचार होगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन 30,000-35,000 में, यही आखिर ये जो अस्पताल किसके हैं, उसके पीछे अगर आप ऊपर जाएंगे तो किसी न किसी मंत्री, किसी न किसी विधायक का मिलेगा। ये जो फायदा है, पैसा जो कीमत है, वो जनता की जान पे लाशों पे कमाने का पूरा प्रोपोगेंडा है, पूरा तैयारी है, जिसमें रुकावट पप्पू यादव कर रहे हैं। और यही खामियाजा है कि आज वो जेल में है और कुछ दिनों बाद उनकी हत्या हो। पप्पू यादव से मिलने तो नहीं दिया गया क्या? वहाँ के डॉक्टर से आपकी मुलाकात हुई क्या? कुछ वहाँ का माहौल है अस्पताल का? वहाँ जो अस्पताल के हालात है वो बद से बदतर है, टूटा हुआ अस्पताल है। क्या है वहाँ? सर, मैं कल मैंने अपनी तरफ से वहाँ पे बात रखी थी। अस्पताल में जिस तरह से उन्होंने, उनके जो वहाँ पे जो सहयोगी हैं या पुलिसकर्मी हैं, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि उनको पथरी पेट में जहाँ किडनी है वहाँ पे उनको पेन है, बैक पेन है, लेकिन CT स्कैन के नाम पे, एक्सरे के नाम पे, उस बड़े अस्पताल में जिसको हम DMCH कहते हैं, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। अस्पताल मैनेजमेंट से मैंने बात करने की कोशिश की कि आखिर कौन सी दवाइयाँ आप चला रहे हैं, हमें पता होना चाहिए जो इंजेक्शन आप पप्पू यादव को लगा रहे हैं वो दवा है कि जहर है, आप कैसे वेरीफाई करेंगे। जब हमसे वहां पर भी कोई भी सामने आके इस पे कोई बयान नहीं देना चाहता, सबका एक ही जवाब था कि आप ऊपर जाके सरकार से या जो भी इनके मेन पदाधिकारी हैं, विभाग है, उनसे बात करिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर वहां पे इनका ध्यान नहीं रखा गया, अगर प्रॉपर इलाज नहीं किया गया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी इम्यूनिटी, उनका जो इंटरनल जो ताकत है वो टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा और आदमी सरेंडर हो जाएगा। आज बिहार को पप्पू यादव की जरूरत है और मुझे ऐसा लगता है अगर आप सभी लोग मिलके, बिहार की जनता, मुझे सबसे बड़ा शॉकिंग है, मैं 2000 किलोमीटर दूर रहता हूं मुंबई में, मुझे यहां की पीड़ा समझ में आ गई कि ये इंसान के साथ गलत हो रहा है, मुझे आवाज उठाना चाहिए। वहां से उत्तर प्रदेश से राज त्रिपाठी भाई आए हैं, बनारस से मिश्रा जी आए हैं, गुजरात से काजल निषाद आ रही है, कन्हैया कुमार भाई से बात हुई और दिल्ली से आ रहे हैं, ये सारे लोग जब हम लोग दूर रह के ये चीज समझ पा रहे हैं तो बिहार का युवा शांत क्यों है? हम लोग किस दिन का इंतजार करेंगे? जब पप्पू यादव को कुछ हो जाएगा तब हम आंदोलन करेंगे? आज वो जिंदा है इंसान, जिंदा रहते अपने पूरे जीवन काल में कुछ अच्छा कर सकता है, आखिर वो गलत क्या कर रहा है? खाना खिलाना गलत है क्या? इंजेक्शन बांटना गलत है क्या? ऑक्सीजन देना गलत है क्या? अगर ये गलत है तो ऐसी गलती होनी चाहिए देश में, देश की जनता ऐसी गलतियां चाहती है। हमने देखा है यहाँ की विधायक हो चाहे सत्ता दल हो चाहे विपक्ष, उनकी औकात हमने देखी है कि भरे विधानसभा में गिरा गिरा के कपड़े फाड़ फाड़ के जूते चप्पलों से मारा गया विधायकों को, तभी भी ये विधायक जो अपने आप को विपक्ष कहता है एकदम जीरो था, कहीं ग्राउंड पे नहीं दिख रहा था। तो आज हम उनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो पप्पू यादव के मामले में आवाज भी उठा सकता है। ये कहीं ना कहीं खामियां जो है सरकार की या बिहार सरकार की, उसको दबाने की पूरी कोशिश है, लेकिन अब देश की जनता को आगे आना चाहिए। खासतौर पर बिहार की युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप चुप रह गए तो कल को कोई भी पप्पू यादव आपको बचाने नहीं आएगा। Oh.